Hello students, welcome to the another lecture of your chemical kinetics. Last class हमने कुछ questions discuss किए थे और हम zero order reaction discuss कर रहे थे. So in this class मैंने बोला था आपको ये numerical खुद से try करने के लिए. So I will explain this numerical because it's very important. तो इस question में क्या बोल के रखा है आपका? For a reaction, the time required for 20% completion is 40 minutes. कितना बोल के रखा है आपको? 20% रिएक्शन होने के लिए आपका 40 मिनट्स लग रहा है एंड 40 मिनट्स कंप्लीशन इज 60 मिनट. मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 20 मिनट रिएक्शन के लिए आपका 40 मिनट लग रहा है एंड 40 मिनट कंप्लीशन के लिए आपका 80 मिनट लग रहा है. फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है आपको एंड द रेट कॉन्स्टेंट. ओके, रेट कॉन्स्टेंट. सो एक चीज जान लीजिए, जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगता है. बट सिंस अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े नहीं, हमने जीरो ऑर्डर से स्टार्ट किया है, तो हम आपको इसको जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बताएंगे. सो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग वी हैव टू यूज मोस्टली हिट एंड ट्रायल मेथड. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है. लाइक वाइज सबसे पहले आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन डाल देना है. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? के की. के की वैल्यू जो आप फाइंड करोगे, दो केस है यहाँ पर क्योंकि टाइम 20 दे रखा है, 40 दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है. तो आपको फाइंड वैल्यू करनी है के की, और जो दो के की वैल्यू आएंगी, अगर वो दो के की वैल्यू सेम हो रही है और नियरली सेम है तो मतलब आपका जो रिएक्शन है वो अब जीरो ऑर्डर है. क्यों जीरो ऑर्डर है? क्योंकि आपने जीरो ऑर्डर से ही स्टार्ट किया था, ठीक है. ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जीरो ऑर्डर है. अगर के की वैल्यू नियरली इक्वल नहीं होती और डिफरेंट होती है तो आपको चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन पुट करना है, देन अगेन आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, टू वैल्यूज. फिर आपको चेक करना है कि टू वैल्यूज ऑफ के सेम है, और अगर टू वैल्यू ऑफ के सेम है तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर है. बेसिकली जब भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करते हो, और अगर आपकी इक्वल वैल्यू के की इक्वल नहीं होती तो आप जीरो ऑर्डर पे जाते हो. सिंस ये आपका जो इक्वेशन है ये एक यूनिट लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ग्राफ मतलब लीनियर डेटा दे रखा है, आपको पता चल रहा होगा कि 20% से 40 हो रहा है, 40 से आपका 80 हो रहा है, ये एक लीनियर डेटा है. तो और हम जबकि बात भी कर रहे हैं जीरो ऑर्डर की, इसलिए हमने जीरो ऑर्डर से स्टार्ट किया. हमको पहले वैल्यू फाइंड करनी है के की वैल्यू अगर सेम आ जाती है देन हमारा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो जब भी व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स तो सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या होता है? हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करना हमारा सबसे पहला अप्रोच होता है. अप्रोच इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देन व्हाट विल सी? देन विल सी जीरो ऑर्डर, देन मे बी विल गो फॉर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ऐसे करके चेक करते हैं हम. मोस्टली आपका सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्व हो जाते हैं या फिर जीरो तक जाते हैं. आधा सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इतना आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ दिस क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है. सो सबसे पहले मैंने कहा था आपको जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिख लो, ठीक है. आपने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिख ली, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी. अब क्या बोल के रखा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल के रखा था 20% कंप्लीशन. 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट, ठीक है. तो 20% कंप्लीशन मतलब 20% कंप्लीट हो गया तो 100, ए नॉट इज इक्वल टू 100, तो 100 में से 20% कंप्लीट हो गया मतलब कितना बचा? 80% बचा, राइट, सॉरी 80 बचा, तो 80 लिख दिया. ये 100, ए नॉट को हमने 100 लिया, इसको 80 लिया, टाइम हमारा 40 मिनट्स है. नाउ इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दो, दैट इज वॉट, दैट इज वॉट आप, सॉरी इसको हम, हमारा टाइम भी दे रखा है, ठीक है. हम इसको, हमको क्या निकालना है? हमको रेट कॉन्स्टेंट निकालना है. क्या बोला यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट पूछा है हमको, ठीक है. तो रेट कॉन्स्टेंट निकालने के लिए इनमें से के की वैल्यू सब्सिट्यूट करो, तो के की वैल्यू क्या होगी? के टी, ए नॉट, आपका के टी यहाँ पे आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए, ये हो गया. फिर इसमें से के निकाला, ए नॉट माइनस ए बाई टी. अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, 100 माइनस 80 एंड 40 डिवाइड बाई 40, 20. 100 माइनस 80 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1/2. के की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, ठीक है, या फिर 0.5 आ गई. नाउ अब क्या दूसरा वैल्यू आया? दूसरा है आपका 40% कंप्लीशन. 40% कंप्लीशन मतलब 40% कंप्लीट हो गया है तो कितना बचा? 60 बचा, राइट. सो 60 बचा हुआ है, आपका ए नॉट की वैल्यू 100 होती है, 60 हो गया, आपका टाइम 80 मिनट दे रखा है. अगेन इस वैल्यू में पुट कर दो ए इज, ये के की हमने यहां से ड्राइव किया था, राइट. तो इस वैल्यू में पुट कर दो आप, के इज इक्वल्स टू क्या है आपका? ए नॉट माइनस ए, ए नॉट आपका 100 है, ए आपका 60 है, डिवाइड बाय 80 आपका 40/80 1/2. यहां पर क्या आप देख रहे हो? यहां पर के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू सेम हो गई, बोथ के की वैल्यू. हमने क्या बोला था? फर्स्ट जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
पहले तो इक्वेशन पुट करो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाली, इफ के की वैल्यू सेम है और नियरली सेम है तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहां पर आप देख सकते हो आपकी दोनों के की वैल्यू, ये के की वैल्यू और ये के की वैल्यू सेम है, तो मतलब क्या हुआ, ये आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नाउ क्या बोला हमने यहां से, हेंस द वैल्यू ऑफ के इज सेम, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वैल्यू के की सेम है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए है क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन लगा के रखी है। नाउ द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, जो रेट कॉन्स्टेंट की आपको वैल्यू पूछ के रखा था, तो वैल्यू ऑफ के रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/2। अब यूनिट, यूनिट निकालने का हमारे पास तरीका था, ठीक है, हमारे पास यूनिट निकालने का है मोल बाय लीटर 1 - n। सी यहां पर जो आपका टाइम दे रखा है, यहां पर जो आपका टाइम दे रखा है वो आपका मिनट्स में दे रखा है। नॉर्मली हम जो फॉर्मूला में लगाते हैं हम सेकेंड लगाते हैं, तो बेसिकली आप यहां पर टाइम रख दो, टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स। तो जो भी आपका टाइम दे रखा है मिनट में दे रखा है तो लेट इट बी मिनट, सेकेंड में दे रखा है तो सेकेंड, आर में देख रहा है तो आर लिख दिया, ठीक है। तो मोल बाय लीटर आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू जीरो होती है, 1 - 0 वन हुआ, तो ये 1 - 0 आपका मोल लीटर ही रहेगा और टाइम की जगह हमने मिनट इनवर्स लिख दिया तो आपका मिनट इनवर्स आ गया, तो इसकी यूनिट ये रही, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। नाउ आई टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके, कि आप वैसे हमने थोड़े बहुत ग्राफ्स तो आगे पढ़ लिए हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, अब हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑल टोटल कितने ग्राफ आते हैं। और एग्जाम में आपका कभी कभी ग्राफ ही उठा के दे दिया जाता है और पूछता है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो सबसे पहला जो मैं आपको ग्राफ समझाया था वो ये समझाया था रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। रेट जो होता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बढ़ता या ऐसे गिरता, कुछ अलग होता, ठीक है। सिंस इट डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो रेट को कोई चेंज नहीं होगा, रेट आपका कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। नाउ सेकेंड जो, और ये सारा ग्राफ, ये जितने भी ग्राफ हैं ये आपके किस इक्वेशन के लिए, ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, मतलब ए आपका प्रोडक्ट बना रही, इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होंगे ये ग्राफ उसी के लिए है, ठीक है, ए आपका प्रोडक्ट दे रहा है उसके लिए है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक 3a आपका प्रोडक्ट दे रहा है, 2a आपका प्रोडक्ट दे रहा है, उस सब के लिए वैलिड नहीं है, 5/2a आपका प्रोडक्ट दे रहा है, उस सारे इक्वेशन के वैलिड नहीं है, ये सिर्फ इस इक्वेशन के वैलिड है जहां पर a आपका प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। नाउ ये आपका ग्राफ था रेट एंड टाइम के बीच में, मतलब रेट आपका टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका रेट टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम पे भी। नाउ वन मोर थिंग, एक ग्राफ होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में जो आपका ग्राफ होता है जो हमने पढ़ा था वो होता है आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। आपको पता है इक्वेशन क्या है आपका, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और ये आपकी किसके साथ इक्वल है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इक्वल है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो सी है ये आपका इंटरसेप्ट है, इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, मैं लिख देती हूं ये ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ए नॉट आपका सी का इंटरसेप्ट हो गया जो कि हमने यहां पे पुट कर दिया ए नॉट, ठीक है। एंड ए जो है सॉरी माइनस के टी, माइनस जो के है ये आपका स्लोप हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में ये एम होता है स्लोप। x आपका क्या है, y एक्सिस पे टाइम है, a क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट y एक्सिस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका स्लोप, आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा माइनस k, क्योंकि यहां पे माइनस है और ये नेगेटिव स्लोप है, इस वजह से ये लाइन डाउन है, ये मैंने आपको समझाया था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप। नाउ वन मोर थिंग, हमारे पास एक और ग्राफ है जिसको हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं, आपका हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक ग्राफ है, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। आपको पता है हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k होता है, ठीक है, 2k। तो जब हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं टी हाफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, आप देखिए ये जो है आपका टी हाफ ये किसके इज इक्वल टू ए नॉट है बाई 2k है, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर आपका टाइम बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, टाइम बढ़ेगा उसी के साथ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम बढ़ेगा और आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है लाइक दिस। और हमने क्या बोला था, जो एंगल, जो लाइन, ये जो लाइन है वो एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज थीटा, एंड दैट थीटा उसी को हम थीटा बोलते हैं, एंड वही थीटा को हम लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है, वही होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। स्लोप,
स्लोप का एंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इधर से जो एंगल होगा उसको नहीं बोलेंगे हम, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाले एंगल को ही बोलेंगे। नाउ हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया, हमने ग्राफ प्लॉट किया टी हाफ एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट के बीच में। इक्वेशन हमारी टी हाफ ए नॉट बाई टू के है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो टी हाफ है ये आपकी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगेन आप एक चीज देखिए, ये जो टी हाफ है ठीक है इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के। यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको देखो ये किस तरह का इक्वेशन है, यहां पर वाई इज इक्वल्स टू एम सॉरी जैसे कि सॉरी एम रियल सॉरी टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के, ठीक है। ये आपका अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिखें, क्योंकि ये कोई पैराबोला तो है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन, कोई पावर वावर तो है नहीं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको थोड़ा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा प्लस सी। सो यहां देखिए सी, इस इक्वेशन में सी की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमारी इंटरसेप्ट नहीं होगी, ठीक है। इंटरसेप्ट नहीं है बट ए नॉट, ए नॉट है हमारा 1/2 के है हमारे पास। ये 1/2 के क्या है, ये आपका एम है, ये आपका ए नॉट क्या है एक्स एक्सिस पे है, टी आपका वाई एक्सिस पे है, वही तो है टी हाफ, टी हाफ आपका मतलब जो हाफ लाइफ टाइम है वो आपका वाई एक्सिस में है, ए नॉट आपका एक्स एक्सिस में है, और ये इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है बिकॉज ये ऐसा आपको यहाँ ओरिजिन से ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपका जो टी हाफ टाइम है वो डायरेक्टली हाफ टाइम है जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ है प्रोपोर्शनल। तो जब हम स्ट्रेट लाइन से कंसिडर करते हैं तो हमको ये पता चला है स्लोप इज इक्वल टू 1/2 के, और ये स्लोप का वैल्यू हमारा एक और भी होता है दैट इज वॉट 10 थीटा। और इन एनी केस जस्ट इमेजिन अगर आपको दे रखा है थीटा, यहां पर जो ये एंगल दे रखा था ना ये थीटा, इसको मान लो आपको ये 30 डिग्री दे रखा है, ये थीटा बोल दिया आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है आपके पास थीटा अगर 30 डिग्री है तो आप क्या करोगे, 10 थीटा के वैल्यू निकाल लोगे, 10 थीटा मतलब 10/30 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। 10/30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 होती है, ठीक है ना। आपको 10/30 की वैल्यू पता चल गई, आपको पता है स्लोप से आपके पास एक तो आपका 10 थीटा होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 के है आपका, राइट। तो आपका ये भी 10 थीटा है दैट इज इक्वल टू 1/2 के, दैट इज इक्वल टू स्लोप, और यहां से आपने 10/30 की वैल्यू भी निकाल दी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को, क्योंकि 10 थीटा मतलब 10/30 क्या हुआ हमारा दैट इज 1/3, और यहां पर 10/30 आपका 1/2 के, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो इक्वेट जब करोगे तो क्या होगा 1/2 के इज इक्वल टू 1/√3, ये देखो आपने किया 1/2 के इज इक्वल टू 1/√3, और ये आपका क्या दे रहा है के इज इक्वल टू, के क्या हुआ आपका इक्वल दे रहा है, के इज इक्वल टू आपका के को ऊपर लेके जाओ ये √3/2, आपका के का वैल्यू क्या आ गया √3/2 आ गया, ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट ग्राफ इज लेफ्ट आउट, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ठीक है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है अगर आपको, ठीक है देयर इज अ ग्राफ बिटवीन कंसेंट्रेशन, यहां पर हम सब इसमें हमने रेट की बात की, रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात की, सॉरी रेट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात की, रेट एंड टाइम की बात की, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम की बात की, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट की बात की हमने, ठीक है। एंड इसमें हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन एंड टाइम की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन के साथ टाइम कैसे वेरी करता है, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यू कैन से कैसे वेरी करती है उसकी हम स्टडी करेंगे। सो इसके लिए जस्ट इमेजिन आपकी जो रिएक्शन है ए टू बी, मतलब मान लो ए से प्रोडक्ट बना लिया ना तो हमने उसको बी मान लिया, ठीक है ए से बी बना लिया, ठीक है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ बी, अब देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो आपकी ए की कंसेंट्रेशन हमने ए नॉट माना और बी तो कुछ बढ़ा ही नहीं तो बी को हमने जीरो माना, ठीक है। जैसे टाइम टी आया, टाइम टी पे ए की जो कंसेंट्रेशन थी वो ए नॉट माइनस एक्स हो गई, अगर ए नॉट में से एक्स जा रहा है तो बी की कंसेंट्रेशन क्या होगी, एक्स होगी, राइट। आप ऐसे समझो बी की कंसेंट्रेशन अगर एक्स हो चुकी है तो ए नॉट में कितना बचा है, ए नॉट में से एक्स माइनस हो चुका है, राइट। अगर बी की कंसेंट्रेशन एक्स हो गई है टाइम के साथ तो ए नॉट में से डिक्रीज होगी तो बी की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बेसिकली हम ए लेते थे इसको ना, तो इस अगर ये एक्स हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, ए की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हुई है, मतलब ए नॉट माइनस एक्स हुआ है, ठीक है ऐसे समझ लो इसको। नाउ हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी ए नॉट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी था। अब ए की जगह पे हमारा क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस के टी, आपका ए नॉट कैंसिल हो गया, आपका माइनस एक्स माइनस के टी था तो दोनों माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, आपका एक्स इक्वल टू के टी आ गया। दिस एक्स
व्हाट इज दिस एक्स, दिस एक्स इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहां पे तो बी का कंसंट्रेशन है ना एक्स, सो आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू के टी, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो आपका किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कंसंट्रेशन, मतलब आपके पास इक्वेशन आ गई फ्रॉम बी इज इक्वल टू के टी, इससे हमने पता चला, ठीक है। वी कैन से दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, मतलब जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा। एंड इस इक्वेशन के लिए आपका जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका टेन थीटा। अब नाउ आप देखिए खुद b इज इक्वल्स टू के टी, अगर हम इसको जो आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिखें तो ये आपका b इज इक्वल्स टू आपका के टी है, राइट। तो इसको हम y मान लेते हैं, m x और प्लस c, यहां पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ऐसा वगैरह बन रहा है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, चलो इसमें भी कोई इंटरसेप्ट नहीं है। t क्या है, t आपका x एक्सिस पे है, तो t x की वैल्यू होगी। k इज व्हाट, आपका स्लोप, b इज योर y एक्सिस पे, कंसंट्रेशन ऑफ b आपका y एक्सिस पे है, टाइम जो है आपका x एक्सिस पे है, एंड ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, ये जो हमारे स्ट्रेट लाइन से गई क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो k हमारा क्या हो गया, k आपका स्लोप हो गया। अगर यहां पर भी आपको थीटा की वैल्यू 30 या कुछ भी दे रखी है, 45 दे रखी है, तो आप इसमें से 10 थीटा निकाल दोगे, 10 थीटा 45 की वैल्यू शायद 1 होती है, ठीक है, यस आई थिंक इट्स 1 ओनली, राइट। तो अगर जो भी होती है, चलो उसके बाद उससे आप 1 अगर आ गया तो k की वैल्यू आपकी 10 थीटा होती है, तो ये 1 आ गया, इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे, 1 आ जाएगी k की वैल्यू। इस तरह से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करता है, ठीक है। सो ये थे हमारे जितने भी ग्राफ जो हमको पढ़ने थे, ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जितने भी हमें ग्राफ वगैरह पढ़ने थे, तो ये थे। नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस इज द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो इन द एग्जांपल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स, की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जहां पर आपका जो रेट होता है रिएक्टेंट का वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, रेट आपका डिपेंड नहीं करता है, वो होता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे, जहां पर आपका रिएक्टेंट का रेट जो आपके सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपके रेट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन है ए प्लस बी और ये आपको प्रोडक्ट दे रही है, तो आप जिसमें रेट लिखोगे, रेट आपका क्या होगा, ये के ए टू द पावर जीरो एंड बी टू द पावर जीरो, जीरो का मतलब वन हो जाएगा, तो मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो नाउ वी हैव फोटोकेमिकल रिएक्शन है इसमें हमारा, हमारे पास इसमें एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है, और हमारा इसमें डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर भी आता है इसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, ये वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें अगर ये सारी चीजें डिटेल एक्सप्लेन करने लगे, लेट इट बी, आई विल एक्सप्लेन टिल फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको पता है, जो आपका लाइट के प्रेजेंस में हो, फोटोन के प्रेजेंस में हो, तो आपका एक बहुत फेमस रिएक्शन है, दैट इज रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका ये कहलाता है। ये H2 आपका जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका HCl देता है, 2HCl आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ हमने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया इस रिएक्शन का, और एक्सपेरिमेंटली हमको क्या पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला जो इस इक्वेशन का रेट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस इक्वेशन का, इज इक्वल्स टू के एच नॉट बाई सीएल एच नॉट एंड सीएल टू नॉट, ठीक है, एच टू नॉट एंड सीएल टू नॉट। इससे हमें क्या पता चला, जो रेट है इस एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला, हमने क्या बोला था, जब भी हमारे पास डेटा बहुत सारे आएंगे हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली डेटा को तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें को पता चला कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैंने आगे की क्लास में भी आपको समझाया था जब हम बता रहे थे ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर सकता है किस पे नहीं, उसमें भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। सो हियर व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसके साथ प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, मतलब जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा आपका रेट बढ़ेगा, ठीक है। और बेसिकली जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट तेज होगी तो क्या होगा, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। So, ये इस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ इसके डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है, फोटोन किस इंटेंसिटी फोटोन पड़ रहा है। इंटेंसिटी बेसिकली मींस व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पड़ रहे हैं,
सो हियर द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से. सो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ फोटोन भी इंक्रीज हो रहे हैं. ये मत समझ लेना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है तो मतलब इसका मतलब कुछ और है कि इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, क्योंकि एच न्यू लिखा है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज लाइक कि जब इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक जो हमारा ये इसके बाद, हाँ, एक और इसका पॉइंट है, दैट इज व्हाट योर एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन. क्या है ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन? ये रिएक्शन ऐसा होता है जहां पर हमारा एंजाइम जो होता है, जो कि आप पढ़ोगे अभी सरफेस केमिस्ट्री हमारा आएगा ना, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है. सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, जो कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं. उस केस में हमने देखा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका डिपेंड करता है एंजाइम किस तरह से एक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. सो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस भी एक तरह के रिएक्शंस होते हैं जहां पर आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. और आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो वही है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही है, तभी तो जीरो ऑर्डर आएगा जहां पर, जब आपका कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, जब वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा तभी तो उसकी पावर जीरो होगी, तभी तो वो सिर्फ आपके रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली रेट कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, राइट, या फिर किसी और फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, बस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सर्फेस एट हाई प्रेशर. डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सर्फेस एट हाई प्रेशर, आपका डिसोसिएशन कैसे हो रहा है गैस का ऑन सॉलिड सर्फेस, सॉलिड सर्फेस पे डिसोसिएशन कैसे होता है गैस का एट हाई प्रेशर. आपको पता है एक रिएक्शन होती है हमारी अमोनिया, ये हम किसी फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके आपके अमोनिया बनाती है, हेबर्स प्रोसेस. नाउ इसका ऑपोजिट, अमोनिया गैस को हम हाई प्रेशर पे रखते हैं तो क्या होता है, आपके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये एकदम सॉलिड सर्फेस पे निकलती है, ठीक है. तो इस केस में क्या होता है, जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला इस रिएक्शन का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो आपको पता चला कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज के इज इक्वल्स टू NH3, ये अमोनिया की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसी और ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि अमोनिया की कि अमोनिया कितना कंसेंट्रेशन है अमोनिया का, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. सो बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हम यही सब पढ़ेंगे कि डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर वो सरफेस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे सरफेस पर डिपेंड करता है, कैसे सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में. सो बेसिकली आप बस ये याद रखिए, तीन तरह की रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है बट आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस के हिसाब से, एक तो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, वही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है. दूसरी आपकी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन है जहां पर भी आपका रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. तीसरा आपका डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर है, यहां पर भी आपका रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता है. ओके ओके नाउ वील व्हाट विल डू, विल कंक्लूड टिल हियर. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू, मैंने कहा था ना आपके जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केसेस हैं वो 99% कितना 99% आपके क्या होते हैं 99% आपके इसी में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन से a0 a to the b, ठीक है. बट देर आर कुछ केसेस हैं 1% केस, जो मैंने बोला था ना कि 1% केस जो हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं, ठीक है, वो एडवांस आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जरूरी नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं नीट एम्स के पेपर और आपका जेई एडवांस, उसके लिए आपका ये स्पेशल केस आ सकता है, ठीक है. सो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये स्पेशल केस भी पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हम जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर दी टुडेज क्लास.